हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं किस तरह से हमारा क्लच का मूवमेंट होना चाहिए, ब्रेक अप्लाई करते हुए क्लच का मूवमेंट होना चाहिए, स्लोप में किसी भी जगह में हम स्लोप में जब चढ़ाई में कार को ऊपर लेके जाते हैं या नीचे लेके जाते हैं तो उसमें हमारा क्लच और ब्रेक का किस तरह से कॉम्बिनेशन होना चाहिए, गियर कौन सा लगाना चाहिए, फुट का मूवमेंट कैसा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ब्रेक अप्लाई करके रखे हैं, क्लच प्रेस करके रखे हैं, तब तो कार आपकी स्टॉप है। जैसे ही ब्रेक रिलीज करेंगे और स्लोप होगा तो आपकी कार पीछे की तरफ जाएगी। उस पोजीशन पे आपका फुट मूवमेंट कैसा होना चाहिए, किस तरह से आपने कार को कंट्रोल करना चाहिए, ये एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है, 10 मिनट के अंदर की वीडियो है। उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से आप कार को बेसमेंट में लेके जाएंगे और किस तरह से बाहर भी लेके आएंगे, आपका पोजीशन क्या होना चाहिए, फुट पोजीशन क्या होना चाहिए, किस तरह से आपकी ब्रेकिंग अप्लाई करते हुए साथ साथ एक्सीलेटर को प्रेस करना है आपने और क्लच को रिलीज करना है। तो ये सारा टेक्निक आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से हमें करना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे, पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अभी चलते हैं हम एक ऐसी जगह में जहां पे शॉपिंग मॉल है और ये बेसमेंट की लोकेशन है। बेसमेंट में कार हम लेके जाएंगे और आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमारा फुट का मूवमेंट होगा ताकि हम सही तरीके से अपनी कार को एंटर कर सके एक बेसमेंट में और फिर कार को निकाल भी सके। तो अभी हम यहां से लेके जा रहे हैं अभी इस पोजीशन पे। तो फ्रेंड्स, उस लोकेशन में हम एंटर कर रहे हैं जहां पे बेसमेंट में कार को लेके जाएंगे, फिर हम कार को वहां से बेसमेंट से ऊपर की तरफ निकालेंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ से एंटर कर रहे हैं हम, ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे पार्किंग जो है बेसमेंट पार्किंग है। तो अभी कार को हम नीचे लेके जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए फ्लैट ड्राइव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हल्का सा स्लोप था, सेकेंड गियर में एक्सीलेटर नॉर्मल सा प्रेस किया, कार की टॉर्क की वजह से कार अपने आप ऊपर की तरफ चल गई। यहाँ से जब हम बेसमेंट में लेके जाएंगे तो हमारा पोजीशन देखिए किस तरह से होगा, फुट मूवमेंट तुम्हारा फुट मूवमेंट कैसे होगा वो आप नोटिस करिएगा। यहाँ से अगर हम डाउन लेके जाएंगे नीचे की तरफ अपनी कार को, अभी मैं सेकंड गियर में हूं, हल्की सी ब्रेक अप्लाई की है क्योंकि यहां से स्लोप स्टार्ट होने वाला है। तो इस पोजीशन में हम क्या करेंगे, जैसे ही स्लोप स्टार्ट होने वाला है तो हम क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगा देंगे, कार को और स्लो डाउन कर लेंगे, 10 की स्पीड में ले आएंगे, और जैसे ही स्लोप स्टार्ट होगा क्लच को रिलीज कर देंगे। अभी देखिए मेरे कार की स्पीड जो है 10 से 12 की स्पीड में कार नीचे की तरफ जा रही है, इससे ज्यादा नहीं हो रही है। और ब्रेक हम हल्की सी अप्लाई करके, मैंने आप नोटिस करिए तो मैंने ब्रेक अप्लाई की है हल्की सी और कार को मूवमेंट ये देखिए, स्लोप से मैं नीचे आ गया हूँ, बेसमेंट वन ही है, एक ही बेसमेंट नीचे की तरफ आया हूँ। तो ये जो स्लोप से नीचे आना है यही एक पैटर्न है जो आपने फर्स्ट गियर में कार को आप क्लच पूरा रिलीज कर देंगे 10 से 12 की स्पीड, उससे ज्यादा स्पीड नहीं आएगी आपकी कार में, लेकिन आपने स्टेयरिंग का कंट्रोल लेना है उसके बीच में ही। और आप हल्की सी ब्रेक अगर अप्लाई करते हैं तो आपकी कार जो है स्टॉप होते हुए कार आपकी मूव होती रहेगी, मतलब स्लो डाउन होती रहेगी। तो पूरी ब्रेक अगर प्रेस करेंगे तो कार कंप्लीट स्टॉप हो जाएगी, वो बहुत गलत हो जाएगा। उसमें क्या होता है, अगर आपके आगे कोई कार है तब आपने क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करना है और जैसे ही वो कार आगे बढ़ेगी तो आपने क्लच को रिलीज करना है, जो नॉर्मल ड्राइविंग फर्स्ट गियर में करते हैं वैसे ही डाउन शिफ्ट करते हुए नीचे आ जाना है। तो लेकिन अगर आप जैसे ही ब्रेक अप्लाई रिलीज करेंगे तो आपकी कार मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको साथ ही साथ क्लच को रिलीज कर देना है। ये हो गया डाउन नीचे आते समय, बेसमेंट की तरफ जाते समय। जब बेसमेंट से निकालते हैं तब हमारा पैटर्न क्या होगा वो देखिए, वो सबसे ज्यादा ट्रिकी होता है और उसी में सबसे ज्यादा न्यू ड्राइवर्स को या किसी भी ड्राइवर को, इनफैक्ट मैं ऐसे भी जानता हूं कि 6-6 महीने हो गए ड्राइविंग सीखे हुए लेकिन बेसमेंट में कार इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि निकालने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, कार बंद हो जाती है, झटके देती है, अगर आगे पीछे कोई कार होगी तो बड़ी परेशानी होती है उन्हें। तो उसके पहले आपको ये बता दूं कि फ्रेंड्स आपने ये प्रैक्टिस करनी है क्लच के यूज को, क्लच को प्रैक्टिस करना है आपने, बाइटिंग पॉइंट क्या है क्लच का होल्डिंग पोजीशन क्या है, ये बहुत अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपका ये चीज हो पाएगी, ब्रेकिंग या आपका जो स्लोप में कार को निकालना है तो ही आपका सही तरीके से हो पाएगा। तो वो करना कैसे होता है, सबसे पहले यहाँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए फर्स्ट गियर में कार है आपकी, क्लच प्रेस कर रखे हैं, कार कंप्लीट स्टॉप है, आपने बाइटिंग पॉइंट समझना है, क्लच को रिलीज करेंगे, कार आगे बढ़ी आपकी, फिर से प्रेस करें, ब्रेक अप्लाई करें, ये बाइटिंग पॉइंट आपने समझना है, कार इसमें बंद नहीं होनी चाहिए। आप जब तक बंद नहीं होगी तब तक आप समझ लीजिए कार आपकी सही चल रही है, जैसे ही बंद होगी आप समझ लीजिए क्लच का आपने पोजीशन ठीक से नहीं समझा है, क्लच का बाइटिंग पॉइंट गलत पकड़ रहे हैं आप। तो अभी ये देखिए यहां से रिलीज कर दिया मैंने कंप्लीटली, कार मूव हो रही है। अब मैं ऊपर जब कार को लेके जाऊंगा बेसमेंट में, ऊपर की तरफ कार को ले जाना है तो तरीका देखिए कैसे करना है हमें,
और फर्स्ट गियर में ही मूव करेंगे हम ऊपर की तरफ। सेकेंड गियर लगाएंगे तो कार में जर्क होगा, हो सकता है कार बंद भी पड़ जाए, तो इसलिए हम फर्स्ट गियर में ही कार को मूव करेंगे। अभी देखिए मैं क्लच रिलीज कर रखा हूँ, कार मेरी फर्स्ट गियर में है, मैं आपको बता दूं क्योंकि हो सकता है अंधेरा है इसलिए आपको नहीं मूवमेंट दिख रहा हो, फुट मूवमेंट क्लियर दिखेगा। अभी यहाँ से आगे बढ़ा रहे हैं ऊपर की तरफ, जब जाएंगे वहां आपको क्लियर व्यू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ अभी तक स्ट्रेट रोड ही है, मतलब स्ट्रेट प्लेन प्लेन सरफेस है। तो अभी यहाँ से क्या है, स्लोप स्टार्ट हो रहा है, अगर आप देखेंगे आगे वहां से स्लोप स्टार्ट हो रहा है। इस पोजीशन पे हमें क्या करना है कि देखिए कंप्लीट आगे, जब यहाँ स्लोप आ गया है तो आपने एक्सीलेटर हल्का सा पीछे से अगर मूव होके आ रहे हैं, खाली है रोड ऊपर की तरफ, तो आपने सिर्फ एक्सीलेटर प्रेस करना है और स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है। ये चीज पोजीशन, ये देखिए बड़े आराम से आप मूव कर सकेंगे, ये हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस करेंगे तो ऊपर की तरफ कार चल रही है। लेकिन अगर स्टॉप करना पड़े, यहाँ देखिए ये स्लोप में है, मैं कार एकदम कंप्लीट बीच में है, तो यहाँ पे मेरे को स्टॉप करना पड़ गया क्योंकि आगे कुछ कार है या कोई भी रीजन है, तो मेरे को स्टॉप करना पड़ गया। यहाँ से मूव कैसे होगा, अभी मैंने देखिए क्लच रिलीज कर दिया, ब्रेक अप्लाई करके रखी है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट गियर लगाया मैंने। पहली चीज जो, अगर आपने स्टॉप कर दी है कार तो आपने मूव करना है, तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि ब्रेक रिलीज करते ही कार पीछे जाएगी और क्लच रिलीज करते ही कार हो सकता है बंद पड़ जाए। तो आपने करना क्या, बाइटिंग पॉइंट जो मैंने आपको पहले बताया था वो समझना बहुत जरूरी है। बाइटिंग पॉइंट तो कार को लेके आए अपने, आप देखिएगा हल्का सा वाइब्रेशन होगा आपका स्टीयरिंग व्हील पे। अब आप ब्रेक को रिलीज करते हुए एक्सीलेटर को प्रेस करना है, ब्रेक को रिलीज करते ही एक्सीलेटर प्रेस किया, आपकी एक इंच कार पीछे नहीं गई है और ये देखिए मूवमेंट आ गया बड़े आराम से। हल्का सा एक्सीलेटर ज्यादा प्रेस करना पड़ा आपको, होल्ड करके रखे क्लच क्योंकि स्लोप में है, उसके बाद देखिए कंप्लीटली छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर से करके दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने ब्रेक अप्लाई की, क्लच प्रेस किया, अभी एकदम ऊपर आ चुके हैं हम, थोड़ी सी आगे जाते ही प्लेन सरफेस स्टार्ट है, लेकिन मैं अभी स्लोप में हूँ पीछे की तरफ। ये देखिए ब्रेक रिलीज करूंगा तो कार मेरी देखिए पीछे जा रही है, मैंने वापस ब्रेक अप्लाई कर दी है। अभी यहाँ पोजीशन देखिए, बाइटिंग पॉइंट तक क्लच को लेके आएंगे, पूरा क्लच नहीं छोड़ना है, बाइटिंग पॉइंट पे होल्ड करना है, जैसे ही ब्रेक को रिलीज करेंगे, ब्रेक रिलीज करते ही एक्सीलेटर प्रेस करना स्टार्ट कर देना। ये देखिए ये कार मेरी मूव हो गई। ये होता है तरीका, अगर आप कार स्लोप में खड़ी करते हैं तो आपका पोजीशन ये भी है कि अगर आपका बाइटिंग पॉइंट अगर आप सही तरीके से समझ लेते हैं तो आपको क्या है कि ब्रेक रिलीज भी करेंगे तो भी आपकी कार स्टैंड स्टिल रहेगी क्योंकि वो मूवमेंट नहीं आ रहा, लेकिन क्लच रिलीज किया है आपने तो आपको कार कंप्लीट स्टॉप, मतलब जो पोजीशन है उस पर होल्ड रही है, ना पीछे जा रही है ना आगे मूव हो रही है। ये बाइटिंग पॉइंट समझने का तरीका है, बाइटिंग पॉइंट अगर आप सही का पकड़ लेते हैं अपनी कार का तो आपको कोई परेशानी होगी स्लोप में कार को ऊपर की तरफ ले जाने में या फिर नीचे की तरफ ले जाने में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और बहुत सारी सही तरीके से किस तरह से हमें स्लोप में ड्राइव करना चाहिए इसका आइडिया लग गया होगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, वीडियो अगर अच्छी लगी है पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।